सुप्रीम कोर्टाने सर्वानुमतेने नव्हे तर बहुमताने निर्णय दिल्याचं मत एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी व्यक्त केले. तसंच मुस्लिम महिलांना जर तलाक हवा असेल तर काय करणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मेरा और मेरी पार्टी का मानना ये है कि ट्रिपल तलाक एक बहुत ही बड़ा कंटेंशियस मसला है और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही यूनानिमिटी नहीं थी, इत्तेफाक राय नहीं था. तीन जजेस ने अलग फैसला दिया, दो ने अलग दिया. आज सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ओपिनियन ने ये कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अदालत का फैसला है, इस पर हमको इसकी इज्जत करनी पड़ेगी. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना यह है कि तलाक हो जाती है, अब सुप्रीम कोर्ट उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है. मगर कल अगर कोई खातून कहेगी नहीं मुझे नहीं रहना है शादी में, तो वो एक ये चीज़ें हैं. तो अब ये जजमेंट क्योंकि करीब 400 सफात पर मुश्तमिल है, इस जजमेंट को पढ़ने के बाद ही, तफसील से पढ़ने के बाद ही मैं समझता हूँ कि इस पर अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.